Hello and welcome to all the viewers out there. So guys, in this video we are going to discuss boundary value analysis and साथ ही साथ हम उसका एक numerical भी solve करेंगे. Guys, boundary value analysis black box testing के under रहता है and black box testing में जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, कुछ test cases बनाते हैं as an input उस program या software को देते हैं, उसके बाद उसकी output check की जाती है expected output के साथ, expected outcome के साथ. अगर वो मैच कर जाए तो हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम सही है, अदरवाइज उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है. तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की क्यों जरूरत पड़ी? क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो वैल्यूज होती हैं उनकी रेंज स्पेसिफाई की होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एक वेरिएबल लिया हुआ है अपने कोड में जिसका है नाम एक्स, उसकी वैल्यू 15 to 45 स्पेसिफाई की गई है. अब ये जो वैल्यू है, क्या होता है कभी कभार टेस्ट करते हुए जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो इसमें कुछ टेस्ट केसेस हमसे मिस हो जाते हैं जो बाउंड्री वैल्यूज के आसपास वाले होते हैं. बाउंड्री वैल्यूज मतलब 15 एंड 45 के जो आसपास की वैल्यूज हैं, वो वाली वैल्यूज के टेस्ट केसेस हम मिस कर देते हैं कभी कभार, एंड उन जगह पर कभी कभार एरर आने के चांसेस होते हैं. तो इसलिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस केम इनटू एग्जिस्टेंस ताकि हम ऐसी वैल्यूज को के प्रॉपर टेस्ट केसेस जनरेट कर सके. तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का क्या काम हुआ, ऐसे टेस्ट केसेस जनरेट करना जो बाउंड्री वैल्यूज को उठाते हैं एंड उन्हें हम एज एन इनपुट अपने सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलरली देते ही देते हैं, चाहे हम बाकी की वैल्यूज दें या ना दें, बाकी वैल्यूज से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें या ना करें, बट जो बाउंड्री वैल्यूज होती हैं उससे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बेसिस पे जो बाउंड्री वैल्यूज के टेस्ट केसेस बनते हैं वो वाली वैल्यूज हमें एज एन इनपुट देनी ही देनी है व्हाइल टेस्टिंग, राइट? सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या है, कैसे पता चलेगा कि कितने टेस्ट केसेस बने? फर्स्ट क्वेश्चन, उसका एक रूल है 4n+1 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमेशा बनेंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अब यहां पर एक वेरिएबल था तो मतलब यहां पे कितने बनेंगे, 4 × 1+1 5 टेस्ट केसेस. अब ये 5 टेस्ट केसेस कैसे बनेंगे, उसका भी एक लॉ है, रूल है. वो रूल कहता है जो पहला टेस्ट केस बनेगा वो आपका बनेगा मिनिमम वैल्यू का, मतलब इसमें क्या आएगी, 15 आपका एक टेस्ट केस बनेगा. जो सेकंड टेस्ट केस आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू का आएगा, जो यहां पे आपकी 45 है वो सेकंड टेस्ट केस. थर्ड टेस्ट केस मिनिमम वैल्यू प्लस 1, मतलब 15 + 1 = 16. फोर्थ टेस्ट केस मैक्सिमम वैल्यू -1, मतलब 44. एंड फिफ्थ टेस्ट केस आपका नॉमिनल वैल्यू का आता है, विच इज नथिंग बट मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, जो यहां पर 30 आ जाएगा. नॉमिनल वैल्यू में बेसिकली आप बाउंड्री वैल्यूज 15 और 45 या इनके आसपास वैल्यू को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट देन एक स्टैंडर्डाइज वे में अगर हम बात करें तो 30 जो मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 से आप नॉमिनल वैल्यू निकालते हो. तो इस तरह से कोई भी वेरिएबल के लिए आपके पास 5 टेस्ट केसेस बनेंगे. ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है अपने टेस्ट केसेस कैलकुलेट करने की. तो गाइस, अब इस बेसिस पे, ये जो अभी हमने समझा इसी बेसिस पर ये एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं. ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये न्यूमेरिकल हमें कह रहा है कि हमें एक ईयर दिया गया है, एक मंथ दिए गए हैं और डेज. ईयर की जो वैल्यू है वो 1800 टू 1900 हो सकती है रेंज, जो मंथ है वो 1 to 12 एंड जो डे है 1 to 31 हो सकती है. तो डिजाइन बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केसेस, मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम हमें दे दिया गया, एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें सिर्फ ये 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, इन 3 वेरिएबल्स की रेंज दे दी गई. अब हमें कहा गया इसके टेस्ट केसेस बनाओ. तो अब इसके टेस्ट केसेस कितने बनेंगे, उसके लिए हमें पता है 4n+1, मतलब 3 वेरिएबल्स है तो 4 × 3 + 1 = 13 आपके पास टेस्ट केसेस बनेंगे. अब अभी हमने देखा था एक वेरिएबल के तो 5 बन रहे थे, मतलब अभी हमने यहां पे 5 निकाले थे केसेस, तो अब कैसे ये 13 हो सकते हैं, उस अकॉर्डिंग तो 15 बनने चाहिए थे. लेकिन दो टेस्ट केसेस अपने आप इरेडिकेट हो जाएंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब उस चीज को देखते हैं. तो आइए गाइज उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ईयर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे. अगर मैं अच्छा, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी हमने यहां पे वैल्यूज को पुट करना है तो एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज पुट होंगी और बाकी दोनों की नॉमिनल पुट होंगी. मतलब अगर मैं ईयर को एज अ वेरिएबल उठाऊंगा सबसे पहले, तो टेस्ट केस 1 में ईयर का क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू 1800, मैक्सिमम वैल्यू 1900,
मिनिमम वैल्यू प्लस वन मतलब 1800 प्लस वन, मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन 1899, एंड मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय टू जिसे हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं वो आएगा 1850। तो गाइज अब ये तो हमने ईयर के लिए पांच पुट कर दिए, लेकिन जो बाकी दो वेरिएबल्स है जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे उनकी आप हमेशा नॉमिनल वैल्यू पुट करोगे, ये एक रूल है इसे दिमाग में रखना। तो मतलब अब यहां पे मंथ की अगर नॉमिनल वैल्यू निकालें तो निकलेगी 1 + 12 / 2 = 13, 6.5 के आसपास 6 या 7 आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहां पर 6 अज्यूम कर रहा हूं। एंड सिमिलरली डे के लिए अगर हम देखें 1 + 31 / 2 16, आप 15 16 दोनों में से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, मैं यहां पर 15 अज्यूम कर रहा हूं, राइट ओके, या चलो 16 ही अज्यूम कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज ठीक है, आप दोनों वैल्यूज के साथ जा सकते हो। ओके, एक हमारा टेस्ट केस बन गया ये, सेकेंड टेस्ट केस बनेगा 16 6। मैंने आपको कहा ना इनकी हमेशा नॉमिनल वैल्यूज ही रहेंगी, जो आपने बाकी के पुट किए हैं ये आपके हमेशा नॉमिनल वैल्यूज ही आएंगी, और ये T5 बन गया 16 6 1850। अब इसके आगे जो टेस्ट केसेस बनाने हैं वो हम मंथ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे एंड डे और ईयर की नॉमिनल वैल्यूज रखेंगे। मंथ की डिफरेंट वैल्यूज क्या हो सकती हैं? मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी 12, और साथ में इसकी वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। नॉमिनल वैल्यूज तो 1850 एंड 16 रहेंगे। अब मंथ की जो मैक्सिमम हो सकती है 12, यहां 16 एंड यहां पर 1850 रहेगा। उसके बाद अगली जो वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू प्लस 1 मतलब 2, यहां 16 यहां 1850। नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू माइनस 1 मतलब 11, यहां 16 यहां 1850। एंड जो नेक्स्ट केस बनेगा T10 वो बनेगा आपका 16 और नॉमिनल वैल्यू मतलब आपकी क्या आएगी मंथ की 6 एंड यहां पर 1850, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 6 आई थी, हमने नॉमिनल वैल्यू वैसे 6 रखी है तो वही हम यहां पर भी अज्यूम करेंगे एंड यहां पर 1850 एंड यहां पर 16। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से देखो तो T5 और T10 सेम आ रहे हैं, तो इसलिए आप T10 को रिमूव कर दोगे। 16 6 1850 यहां भी, 16 6 1850 यहां भी था, तो हमने क्योंकि दो बार हम एक ही केस को नहीं अज्यूम कर सकते तो इसे रिमूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब जब T10 निकालेंगे अब तो डे को हमें चेंज करना है मतलब मंथ और ईयर की नॉमिनल वैल्यूज पुट करनी है, तो पहले जल्दी से इनकी नॉमिनल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1850 1850 यहां पर क्या आएगा, मंथ की नॉमिनल वैल्यू 6, यहां पर भी 6, उसके बाद 1850 यहां 6, और उसके बाद मैं दो वैल्यूज आपके यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये T11 T12 T13 अभी आया आपके पास, यहां पे 6 एंड 1850 एंड T14 6 एंड 1850। अभी आपके दिमाग में आएगा हमने तो 13 टेस्ट केसेस बनाने थे तो 14 बन रहे हैं, इसका मतलब है यहां से एक टेस्ट केस और रिमूव होगा। अब देखो डे की मिनिमम वैल्यू 1 राइट पुट कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू 31 पुट कर दिया, मिनिमम वैल्यू प्लस 1 पुट कर दिया 2, मैक्सिमम वैल्यू माइनस 1 30 पुट कर दिया, एंड नॉमिनल वैल्यू जो कि आपकी 16 चल रही है पुट कर दिया। लेकिन क्या आपने यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इनमें से कोई केस इरेडिकेट होने वाला आपको दिख रहा है? एक केस है जो इरेडिकेट होगा अभी, जिसके बाद हमारे पास 13 टेस्ट केसेस बन जाएंगे। वीडियो पॉज करो और दिमाग लगाओ, वो टेस्ट केस है टेस्ट केस नंबर 11। अभी भी समझे? अरे यार 31 जून एग्जिस्ट करता है क्या? 31 6 1850 क्या ऐसी कोई डेट होती है? 31 जून होता ही नहीं है, तो इसलिए ये टेस्ट केस भी हमारा खत्म हो गया। सो गाइस इन दिस वे हमारे पास ये बन गया 11, ये बन गया 12 एंड ये बन गया टेस्ट केस नंबर 13। तो टोटल 13 टेस्ट केसेस, जैसा कि हमने फॉर्मूला से देखा था, टोटल 13 टेस्ट केसेस हमारे पास आ गए। तो ये आपके पास बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बेसिस पे 13 टेस्ट केसेस आए हैं। ये टेस्ट केसेस आपने एज एन इनपुट अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में डालने ही डालने हैं एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी आउटपुट को चेक करोगे। अगर आउटपुट सही है तो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सही है। एंड दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक, क्या आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस।
सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछो। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन की भी और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में डालता रहूंगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर शो हो जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।